हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम उदय सिंह फ्रॉम बाल भारती हाई स्कूल नागा चौधरी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो लेसन है वो ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, रिटन बाय जे एल फ्यूंडेज। तो इसमें एक किसान होता है जो बहुत गरीब होता है, बहुत मेहनती किसान होता है इसमें, लेकिन उस साल उसको अच्छी फसल होने की आस होती है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। ओलावृष्टि हो जाती है और उसकी जो सारी फसल है डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसमें देखिए, लेसन को पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया है। ए लेटर टू गॉड, जी एल फ्यूंडेज द्वारा रचित है, लिखी गई है। ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के नाम, रिटन बाई, लेसन का क्या नाम है, ए लेटर टू गॉड, रिटन लिखा गया है इसके द्वारा, जी एल फ्यूंडेज। ए लेटर टू गॉड, जी एल फ्यूंडेज द्वारा लिखा गया है। इन दिस लेसन, इस लेसन में, इन दिस लेसन, इस लेसन में द राइटर डिफाइंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्किंग, सिंपलिसिटी, फेथ एंड ह्यूमिलिटी। इन दिस लेसन, इस पाठ में द राइटर, लेखक, डिफाइंड, परिभाषित करता है द वैल्यू, महत्व ऑफ हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम का। यानी इस पाठ में लेखक कठिन परिश्रम, सिंप्लिसिटी, साधारणता, फेथ, विश्वास एंड ह्यूमिलिटी और मानवता का जो महत्व है उसका अच्छी तरह से उसको परिभाषित करता है। दिस लेसन एलबरेट अबाउट ए सिंपल फार्मर। दिस लेसन, इस पार्ट, दिस लेसन, यह जो पार्ट, एलबरेट, एलबरेट यानी वर्णन करना, विस्तार से वर्णन करना, अबाउट ए सिंपल फार्मर, यह जो पार्ट है यह एक सिंपल फार्मर, साधारण किसान के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हु नेम वाज लेंचो, जिसका नाम लेंचो था। हु नेम वाज लेंचो, जिसका नाम लेंचो था। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती था। बट हिज क्रॉप वाज डिस्टर्ब्ड इन ए हेलस्टॉर्म। बट हिज क्रॉप, लेकिन उसकी फसल, क्रॉप क्या होती है, फसल, वाज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड क्या होता है, नष्ट होना, इन ए हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। बट हिज क्रॉप, उसकी फसल वाज डिस्टर्ब्ड, नष्ट हो गई इन हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म क्या होता है, मूसलाधार वर्षा से उसकी फसल नष्ट हो गई। ही हैड ए फर्म, ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड। ही हैड, उसका फर्म दर्द फेथ, विश्वास इन ए गॉड, भगवान में, उसका भगवान में पक्का विश्वास था। ही थॉट दैट, उसने सोचा, थॉट सोचा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी सहायता करेगा। सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड, इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pieces। सो ही रॉट, इसलिए रॉट लिखा ए लेटर, एक पत्र, इसलिए उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को। इन द लेटर, पत्र में, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pieces, उसने कहा गॉड भगवान से, सेंड हिम, भेजे 100 pieces,
यानी 100 पैसे भेजने के लिए उसने भगवान से कहा। देन ही वेंट टू, तब वह वेंट गया टू द पोस्ट ऑफिस, तब वह पोस्ट ऑफिस गया एंड पुट द लेटर इन द मेल बॉक्स और एंड पुट द लेटर और पत्रों को और एंड पत्र को इन टू द मेल बॉक्स और मत जो मेल बॉक्स होता है जो जिसमें डाक वगैरह जो डालते हैं वो लेटर पेटी में पत्रों को डाल दिया। द पोस्ट ऑफ मास्टर, पोस्ट मास्टर क्या होता है जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने सादा लेटर पत्र को देखा। ही डिसाइडेड टू हेल्प, उसने डिसाइडेड फैसला लिया, निर्णय लिया टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता करने का। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया टू डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता करने का उसने फैसला लिया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही कलेक्टेड क्या होता है इकट्ठा करना, मनी धन, उसने धन इकट्ठा किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसके डाकघर के कर्मचारियों से, उसने धन डाकघर के कर्मचारियों से इकट्ठा किया। और देखिए आगे, देखिए ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, ही गेव, उसने दिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ हिज ओन सैलरी, सैलरी में अपने वेतन से भी उन्होंने कुछ हिस्सा दिया। बट द मनी वाज लेस देन व्हाट लेंचो हैड आस्क्ड फॉर, मगर मनी वाज लेस देन, यह राशि लेंचो द्वारा मांगी गई राशि से कम थी। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन टू एन एनवलॉप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, यानी द पोस्ट मास्टर ने पुट द मनी, धन को, इन टू एन एनवलॉप, एक लिफाफे में डाल दिया एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो और उस पर लेंचो का पता लिख दिया, यानी पोस्टमास्टर ने एक लिफाफे में मनी जो धन है उसको डाल दिया और उस पर इसका पता लिख दिया लेंचो का। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लेंचो केम टू कलेक्ट, लेंचो आया टू कलेक्ट हिज लेटर, यानी अगले रविवार को लेंचो अपने पत्र लेने आया। व्हेन लेंचो ओपन्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, उसने केवल 70 पैसे ही मिले, ओनली 70 पीसोस इन इट, उसमें केवल 70 पीसोस ही मिले। ही बिकेम हैंग्री, वह क्रोधित हुआ। ही थॉट दैट उसने सोचा कि गॉड वुड नॉट मेक ए मिस्टेक, मिस्टेक होते हैं गलती, उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता। ही रोट उसने लिखा अनोदर लेटर टू गॉड, उसने दूसरा पत्र भगवान के नाम लिखा, यानी उसने दूसरा पत्र लिखा, एक और पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, उसने ये भी
कहा कि बकाया जो राशि है वो भेज दे। बट ही आस्कड, लेकिन ही बट ही आस्कड गॉड नॉट टू सेंड इट बाई पोस्ट बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बेंच ऑफ क्रूक्स। यानी बट ही आस्कड, लेकिन उसने ये भी कहा गॉड नॉट टू सेंड, भगवान से ये भी कहा कि इट बाई पोस्ट, कि वो डाक के द्वारा न भेजे, जो राशि है बकाया वो डाक के द्वारा न भेजे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस डाकघर के जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या होता है कर्मचारी, जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वर ए बेंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों के टोले हैं, धोखेबाज हैं। तो लेंचो ने ये कहा कि जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं ये ठगों के टोले हैं। तो इस लेसन में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एक गरीब किसान होता है, इसमें हार्ड वर्किंग, कठिन मेहनत का, दृढ़ विश्वास, फ्रॉम फेथ दृढ़ विश्वास, सिंप्लिसिटी साधारणता, एंड ह्यूमिलिटी और मानवता का इसमें बहुत विस्तृत से वर्णन किया है। थैंक्स।